हमारा जो टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हम जो है कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज द मिक्सचर, वी विल स्टडी अबाउट द मिक्सचर। तो फर्स्टली वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द मिक्सचर, ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, एक मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस मे बी एलिमेंट मे बी कंपाउंड। यू हैव टू रिमेंबर इन द केस ऑफ कंपाउंड द सब्सटेंस आर ओनली एलिमेंट। यू हैव टू रिमेंबर इट, सब्सटेंस वॉज द एलिमेंट, सब्सटेंस उसमें क्या था, कंपाउंड में ओनली एलिमेंट था, बट इन द मिक्सचर द सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रपोर्शन। यू हैव टू रिमेंबर इन द मिक्सचर देर इज नो प्रपोर्शन। एंड वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर इन द केस ऑफ कंपाउंड देर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स प्रपोर्शन बाई मास। यू हैव टू रिमेंबर इट। तो मिक्सचर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दो सब्सटेंस लेंगे इसके अंदर, जिसमें सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में आप उसको मिक्स कर दीजिए। बट कंपाउंड के केस में हमें ध्यान में रखना है कि हम उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही ऐड करते हैं, इज कॉल्ड मिक्सचर। एंड अगेन यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर mixture is the properties of its constituents particles। तो what will be the property of mixture, it will be the property of the constituents particle। जो भी हम उसमें mix करेंगे वही property क्या होगी आपकी, mixture की होगी। Third, you have to remember about the mixture that mixture can be separate by physical method। You have to remember it can be separated by physical methods by heating by dissolving the substance, we can separate it, but you have to remember that the compound can be separated by the chemical method। Suppose if we have to separate the water, then we have to do the electrolysis, but in the case of mixture we have to use the physical method। So three things we have to remember, firstly we can mix the substance in any proportion, okay, we can mix the substance in any proportion। Second, you have to remember the property of the mixture is the property of its constituents particles, these particles may be element or compound। Thirdly, the mixture can be separated by the physical method। तो तीन चीजें आप ध्यान रखना है, किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको मिक्स कीजिए। सेकेंडली जो आपका है द प्रॉपर्टी जो होगी मिक्सचर की वो किसकी होगी, जो भी आप उसमें मिक्स करें उसी की प्रॉपर्टी होगी। थर्ड, यू हैव टू रिमेंबर इट कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड, वी नेवर यूज द केमिकल मेथड। यू हैव टू रिमेंबर इट, हम केमिकल मेथड को यूज नहीं करते, फिजिकल मेथड द्वारा ही इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर इज टू टाइप्स, अगेन ये आपका टू टाइप्स है, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द होमो मीन्स, अगेन होमो मीन्स द सेम, जीनियस मीन्स इज द फेस। Or simply we can say if a mixture has the same constituents throughout the solution, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं और थ्रू आउट द देर इज ओनली वन कंपोजिशन इज देयर, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस। यानी वी कैन से दैट इफ ए मिक्सचर हैज सेम फेस और कंपोजिशन, सेम फेज और कंपोजिशन थ्रू आउट,
throughout if it has the same phase, only there is the one phase is there, or the composition is there. If only there is the one composition or only one phase is there, then this types of mixture is known as homogeneous mixture. Now hetero means different. Hetero means different. Genus means phase. Genus means phase. Yani ki if a mixture has different phase or composition, if a mixture has different phase or composition throughout. If there is two or maybe three different phases there, then it is known as heterogeneous. Now we will discuss about the homogeneous mixture. देखिए इसमें what is the homogeneous mixture? If there is only one phase is there. अगर वहां पे आपको क्या है, इसमें only एक ही phase है, homogeneous mixture. तो क्या होगा इसके अंदर, वन फेज, यू हैव टू रिमेंबर, वन फेज और वन कंपोजिशन. तो दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर. द होमोजेनियस मिक्सचर मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. तो देयर मे बी थ्री फॉर्म ऑफ होमोजेनियस. तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द गैसियस होमोजेनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज द लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर, एंड थर्ड वन इज द solid homogeneous mixture. So there is the, again it is divided into three category. One is the gaseous, second one is the liquid, and third one is the solid is there. Now we will discuss about the homogeneous gaseous mixture. Now the gaseous mixture, the mixing of any two gas, if we mix the hydrogen and oxygen, again it is the homogeneous mixture. Again you have to remember, all the gases forms the homogeneous mixture. Yeah, mixture of hydrogen and oxygen. We can say air. We can also write the air, because which it is a mixture of CO2, O2, N2. Any other gases is there, again it is homogeneous, because there is only one phase is there. So gases always forms the homogeneous mixture. Now the liquid, we can take the example of petrol, kerosene, diesel. These are the certain example of liquid, because in the petrol we know that there may be C5 to C9 carbons of hydrocarbons, जिसमें 5 carbons वाले हो सकते हैं. 5 carbon क्या होता है, इसमें pentane होता है, 6 वाला hexane, heptane, octane, these are may be present in the petrol. लेकिन पेट्रोल का जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है, हमें एक ही फेज दिखती है, कोई डिफरेंट फेज नहीं देखते. वैसा ही कैरोसिन है, वैसा ही डीजल है. सो इट दे ऑल दीज आर आल्सो इन द लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट वन इन द सॉलिड के अंदर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट. अगर आपने सपोज ब्रास एंड ब्रॉन्ज, these are the two alloy. Alloy क्या होता है, it is a homogeneous mixture of two or more element. If we mix brass, copper, S है तो S वाला नहीं होगा यहाँ पर, here will be zinc, copper and zinc. It is the mixture of copper and zinc. ब्रॉन्ज, copper तो होगा ही, यहाँ पर क्या है, Z वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, S and tin वाला आएगा. यहाँ पे S है तो S वाला नहीं आएगा, क्या आएगा, इसके अंदर जिंक आता है. यहाँ पे Z है तो यहाँ Z नहीं आएगा, क्या आएगा, S, N आएगा, टिन. तो ब्रास एंड ब्रोज आर द एलोय. क्या करते हैं, फर्स्ट वी मेल्ट द कॉपर एंड जिंक, देन वी मिक्स इट. दोनों को पहले क्या करेंगे, इसके अंदर वी मेल्ट, फर्स्ट वी मेल्ट बोथ
एंड देन वी मिक्स इट, फिर उसके बाद क्या करेंगे मिक्स। तो यू हैव टू रिमेंबर एलॉय इज ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय जो होता है वो हमेशा क्या होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लाइक वाइज द ब्रोंज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉपर एंड एंड SN इज देयर। नेक्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इट इज ऑल अबाउट अवर होमोजीनियस मिक्सचर। तो यू हैव टू रिमेंबर होमोजीनियस मिक्सचर में देयर विल बी वन फेज, एक ही फेज होगा और वन कंपोजिशन होगा। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक वाइज इन द लिक्विड के अंदर आप ये ले सकते हो इसमें सॉल्ट इन वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, sugar solution. We can take also the example, if we dissolve the salt in the water, आपने salt लिया, salt को water में dissolve किया, dissolve करने के बाद क्या होगा, after dissolving the salt in water, we cannot identify that where is the salt and where is the water. We can see only one phase is there, एक phase हम देखेंगे जो हमें क्या दिखेगा salt solution दिखता है हमें, but we cannot see by the naked eye. आप naked eye और even by microscope, माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख सकते कि वेयर इज द सॉल्ट, सोल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है, बट हमें क्या दिखाई देगा वी कैन सी ओनली द सॉल्यूशन। हम क्या देखते हैं उसके अंदर केवल सॉल्यूशन हमें दिखता है, किसका सॉल्ट का सॉल्यूशन। सो इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस और शुगर सॉल्यूशन। शुगर को आपने क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करेंगे, आफ्टर डिजोल्विंग वी कैन नॉट सी वेयर इज द शुगर, वेयर इज द वाटर, वाटर कहाँ है आपका और शुगर कहाँ है हम नहीं देख सकते, बट ओनली वी कैन सी द शुगर सोल्यूशन। सो यू हैव टू रिमेंबर द होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई और बाय माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस, नेक्स्ट दैट इज हेट्रोजीनियस। वट इज द हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेज, इफ देयर इज टू और मोर फेज इज देयर, if there is two or more phase is there, heterogeneous, heterogeneous mixture, it means more than one phase, more than one phase, more than one phase or one composition, it means here will be different composition. Different composition is there. So you have to remember, we can take the example, likewise I am taking a mixture of oil in water, okay, petrol in water, any other sand in water, we can take the example, oil in water, if we mix the oil in the water, then kya hoga aapka, if we take the oil, here is the water, here will be oil droplets on the surface, because oil droplets does not mix with water, so here is the oil and here is the water. तो देर इज द टू फेज इज देयर, वी कैन सी बाय द नेक्ड आई, हमें नेक्ड आई द्वारा हम देख सकते हैं कि ऊपर क्या होगा आपका ऑयल होगा, नीचे क्या होगा इसके अंदर वाटर है, तो वी कैन सी बाय द नेक्ड आई। सो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट कैन बी सेपरेट, वी नो दैट इन द मिक्सचर यू हैव टू रिमेंबर इट कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल दैट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, ओके आई एम टेकिंग द आयरन सल्फर and NaCl, sodium chloride. I am taking a mixture of iron, sulfur and sodium chloride and we have to separate it. How we can separate it? Firstly, we use the magnet because magnet is attracted by the iron. Iron is attracted by the magnet, so we can separate the iron. Iron we have separated. Now the sulfur and NaCl is there. Firstly, we dissolve in water because if we dissolve in water, then NaCl, sodium chloride, will dissolve in the water. So it will, and sulfur does not dissolve. ओके तो सोडियम क्लोराइड में हमने बचा हमारे पास क्या, वी हैव सेपरेट द आयरन, तो हमारे पास बचा व्हाट वी हैव सल्फर एंड NaCl, ओके देन इफ वी ऐड द वाटर, क्या ऐड किया आपने वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा NaCl जो होता है इट डिजॉल्व इन द वाटर, बट सल्फर जो होता है इट डज नॉट डिजॉल्व वाटर,
does not dissolve in water. So you have to remember it. NaCl water में dissolve हो गया, it can be separate out. तो next हमारे पास क्या बचा है? Sulfur is there. Either we separate or either sulfur जो होता है, it can be dissolved in carbon disulfide. So sulfur जो होता है, ये आपको dissolve हो सकता है. किसके अंदर? Sulfur can be dissolved in carbon disulfide. CS2 के अंदर आप इसको डिसॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, तो दीज आर द ऑल अबाउट अवर मिक्सचर. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज कंपाउंड एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. सपोज मिक्सचर इज द गिवन एंड कंपाउंड इज गिवन, हाउ वी कैन सेपरेट. फर्स्टली आपका क्या है, सब्सटेंस कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन. और इसके अंदर क्या होता है आपका, एनी प्रोपोर्शन कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन वी कैन मिक्स. एंड यहां पर क्या होगा आपका, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इसकी किसकी होगी, जो भी आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है. तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. तो अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट then its constituent particles. Again the compound जो होते हैं mixture can be separated by the physical method and it can be separated by the chemical method. तो it can be separate by physical method and it can be separated by chemical method. Okay, again it is two type, homogeneous and heterogeneous. It is, there is no types of compound. Okay, so you have to remember it. So it is all about our mixture. Again a very simple topic is there, that is the atom. What is atom? Next, that is a simple definition is there, atom. What is the atom? It is the smallest particles of an element. कोई भी element है उसका जो सबसे smallest जो particles होता है, that is known as atom. तो what is atom? It is the smallest particles of an element. Which have free or may not free existence. ये एटम जो होता है वो फ्री रह भी सकता है और नहीं भी रहता. तो यू हैव टू रिमेंबर इट मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस और नॉट फ्री एग्जिस्टेंस. It may have free existence or may not free existence. So you have to remember, atom क्या होता है, it is the smallest particle of an element. सबसे छोटा particles है किसका, element का. ये free भी रह सकता है और free भी नहीं रहता. जैसे I am taking the example, likewise iron, Fe, it remains in the form of free, atom की form में रहता है. अगर आप simple लिखते हो वो आपका atom होता है. ठीक है, जैसे copper, Cu, it has the free existence. Aluminium, chromium, zinc, all are in free existence. Likewise, the inert gas,
इनर्ट गैस, आजकल इनर्ट नहीं कहते, इसको नोबल गैस कहते हैं। पहले क्या कहते थे हम, इनर्ट गैस कहते थे। नाउ दिस द नेम हैज बीन चेंज, दैट इज नोन एज नोबल गैस। लाइकवाइज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रैप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ऑल दीज गैसेस आर इन द फॉर्म ऑफ एटम। एटम का मतलब अगर आप सिंपल सिंगल लिखते हैं उसको, दैट इज नोन एज एटम। नाउ द ओ टू, इट इज नॉट फ्री। अगर आप ओ लिखते, ओ क्या होता है, वो आपका एटम होता। अगर आपने क्या लिखा, ओ टू, ओ टू जो है आपका एटम नहीं है, तो इट हैज नॉट फ्री एग्जिस्टेंस। एन टू, सी एल टू, बी आर टू, आई टू, जो ये वाले जो होंगे, दीज आर नॉट नॉट फ्री एग्जिस्टेंस। तो व्हाट इज द एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका किसका है आपका, एलिमेंट का है, ठीक है, जो फ्री रह भी सकता है, फ्री नहीं भी रह सकता। जितने भी मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल, जितने भी मेटल है वो सब में क्या होते हैं, फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तो जितने भी अदर्स जो गैसेस जो होती है, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ओ टू, एन टू, सी एल टू, बी आर टू, आई टू, एफ टू, एच टू, जितनी भी है, दे हैव नो फ्री एग्जिस्टेंस। वो किस फॉर्म में रहती है, देयर फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज आवर टॉपिक इज दैट इज द मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मॉलिक्यूल, ठीक है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। What is the molecule? Okay, you have to remember कि what is the molecule? Molecule is the smallest particle of an element or compound. You have to remember ये क्या है, it is the smallest particle of an element का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, compound का भी हो सकता है, दोनों आप ध्यान रखना है। बट इन द केस ऑफ एटम, एटम में आप हमेशा ओनली, देयर विल बी ओनली वन टॉपिक, दैट इज द एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट आएगा। लेकिन इसके किसके केस में, इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ये हमेशा क्या होगा, फ्री एग्जिस्टेंस होता है। जो भी मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, फ्री एग्जिस्टेंस होगा। एटम मे हैव द फ्री एग्जिस्टेंस, फ्री रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट मॉलिक्यूल जो होता है उसका हमेशा क्या होगा, ये फ्री एग्जिस्टेंस होगा। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। एंड इट इज़ टू टाइप्स, इट इज़ टू टाइप्स। फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर आपके अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इज देयर, ठीक है, इफ इन ए मॉलिक्यूल, इफ इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, इफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एटम्स आर प्रेजेंट, then it is known as molecules of element। उसको आप क्या कहते हो, molecules of element कहेंगे, अगर same types of atom है, जैसे O2, O2 किससे मिलके बना है, O and O से मिलके बना है, N2 किससे मिलके बना है, दो nitrogen, same types of atom है, मैं nitrogen और nitrogen दोनों ने मिलके क्या बना दिया आपका, N2 का formation कर दिया, तो same types of atom is there। और कोई example, Cl2 ले सकते हैं हम, ब्रोमिन ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, और कोई एनी अदर, हाइड्रोजन ले सकते हैं, फास्फोरस इट रिमेंस इन द फॉर्म ऑफ P4, सल्फर इट रिमेंस इन द फॉर्म ऑफ S8, यू हैव टू रिमेंबर इट, सल्फर जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, S8 के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो फर्स्ट आपका हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सेकेंड वन इज सेकेंड टाइप्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, इन ए मॉलिक्यूल इफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ डिफरेंट, वी कैन से डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो इसमें आपका क्या होगा, एटम्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जैसे लाइकवाइज CO2, वी कैन टेक H2SO4, वी कैन टेक H2O, एनी अदर एग्जांपल, वी कैन टेक NH3। ओके, हियर इज, ये आपका क्या है, ये एटम है,
है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। ओके अगेन, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, तो ये भी आपका क्या है, क्या है इसके अंदर, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2O मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इज अ एटम। तो इफ एटम और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ओनली सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर। अनदर एग्जाम्पल O3 वी कैन ऑल्सो टेक, ओजोन इज देयर, तो वो आपके क्या, इफ द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है तो देन इट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल बोथ आर प्रेजेंट, दोनों अगर प्रेजेंट है, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सो इट इज ऑल अबाउट अवर अवर टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूल, एंड वी हैव द डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ए वेरी सिंपल, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वी नो दैट द मैटर हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी, अनदर वन केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर हैव द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी है उसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी। अगर आप उस कंपाउंड की या उस मैटर की प्रॉपर्टी हम विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे एंड आपका इसके अंदर एनी केमिकल चेंज इज देयर, तो यू हैव टू रिमेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा आपका, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंज इन इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन। जैसे मास, हमें मास को कैलकुलेट करना है, तो जैसे इसका भी हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, जो आपका मशीन जो होता है इलेक्ट्रिकल बैलेंस की हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हैं विदाउट, इसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं हुई और इसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं हुआ। सपोज वी आर टेकिंग द डस्टर, वी हैव टू मेजर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द मास। अगर हमें क्या करना है, इसको मास को कैलकुलेट करना है, तो हमें इसकी आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि न्यू कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल बैलेंस और मैनुअल बैलेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, जो आप मेजर कर सकते हो विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन। कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल दैट इज द मास हो सकता है, दैट इज वॉल्यूम हो सकता है, दैट इज डेंसिटी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, यू हैव टू रिमेंबर आल आर इन क्वांटिटेटिव इन नेचर। हमेशा दो तरह हुए, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है। तो यू हैव टू रिमेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दीज आर इन क्वांटिटेटिव इन नेचर। यह हमेशा किस नेचर की होगी, क्वांटिटेटिव नेचर की होगी, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव नेचर होगी। देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, को आप क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटीज के भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि दोज प्रॉपर्टीज
properties which can be measured with change its identity and composition. Chemical properties में हम हमेशा क्या करेंगे, उसमें change करके देखेंगे वो किसके साथ reaction करता है, किसके साथ reaction नहीं करता. तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, we have to do the chemical reaction. तो what is the chemical property?